दोस्तों आज हाजिर हूँ मुहर्रम के एक बहुत ही दिलचस्प नज़ारे के साथ। कहा जाता है पूरे हिंदुस्तान में मुहर्रम का खेल अगर कहीं होता है सबसे ज़्यादा दिलचस्प तो कहीं और नहीं दरभंगा में ही होता है। तो ये मुहर्रम का बहुत ही दिलचस्प नज़ारा आपके सामने मुहर्रम का दरभंगा से। चलिए इस वीडियो को पूरा देखें और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। और थैंक्स फॉर पेटीएम। तो चलिए इस वीडियो को एंजॉय करते हैं दुनिया में कहीं भी बैठ कर। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो के आखिर में एक सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना है। अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दें। और ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो थोड़ा भी आप अप्रिशिएट कर रहे हो सराह रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।
दरभंगा सिटी के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ दरभंगा की पूरी आवाम को, सबसे पहले तो मैं आज नौवीं मुहर्रम का मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जितने भी अखाड़ा हमारे दरभंगा ज़िला मुहर्रम कमेटी के दफ्तर के पास आ कर के आए और मिलान के प्रोग्राम को बखूबी अमन सुकून के साथ ख़त्म किया, अंजाम दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सभी अखाड़ियों का और उन सभी लगे वालों का जो हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चले। मैंने उसको एक सिग्नल दिया, उस सिग्नल के अनुसार उसने मिलान किया, फिर रेड सिग्नल देने के बाद उसने अपने मिलान को रोक दिया। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और कल आज जो आपने प्रोग्राम देखा होगा या जो भी हिंदुस्तान दरभंगा की आवाम ने आज के प्रोग्राम को देखा, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं था आज ये तो ट्रेलर है, इसको हम लोग ट्रेलर कहते हैं। ये ट्रेलर है, ट्रेलर का प्रोग्राम 5 मिनट का मिलान हुआ है। कल दसवीं मुहर्रम असल जो मिलान का मकसद है कल होगा। और वो प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? कल जो मिलान होगा हमारा, वो मिलान होगा कम से कम 15 मिनट का मिलान होगा। उसका वक्त रखा गया है 7:45 में और 15 मिनट तब तक लड़ाई होता मिलान होता रहेगा जब तक एक दूसरे में से कोई हार ना जाए, मतलब टूट ना जाए मिलान। सर प्रशासन, और मैं प्रशासन को, ज़िला प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि जो हमारे एक मुहर्रम से लेकर के दसवीं मुहर्रम तक हमारे साथ रहते हैं और कदम से कदम मिला कर रहते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रुस्तम कुरैशी, ज़िला मुहर्रम कमेटी सेक्रेटरी। कहना चाहूँगा आज मुहर्रम की 9वीं तारीख था, तारीख भी 9 था। बहुत अमन सुकून के साथ अखाड़ा आया, मिलान करके बहुत अच्छे से आराम से चले गए। कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ किसी चीज़ का, कोई ऐसा मतलब नहीं हुआ। बहुत हमारे वॉलंटियर में कार्यकर्ता जो भी थे, मेंबरशिप सब लगे हुए थे भीड़ में, जो सबको रोकने का कोशिश किया ज़्यादा नहीं। खिलाड़ियों को इनसे सबक लेना चाहिए, तभी ये हम लोगों के बीच खेलने के लिए हम लोगों को उठाया करते। ये वही सलाम खान है जो खिलाड़ियों को खेलने के लिए उठा के डर से ले जाया करते थे, वो सरोज थे। बहुत खूब सलाम खान, सलाम खान बहुत अच्छे। आप यहाँ जाइए, अपना इनाम ले जाइए। बंदे कर दे भाई। रुक रे बुलबुल आई बैठी नीम की डाल झट।
सिस्टम हो जाता। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम धर्म में मुहर्रम को इस तरह से मनाना और ढोल बाजे के साथ शरीयत में है या नहीं? बस मुझे जानना था और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने जब मुस्लिम धर्म के मौलाना से पूछा तो मुझे कुछ और जवाब मिला। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।